बाद जो नाइन्थ टाइप है, टाइप तो नहीं है लेकिन धक्का मार इसको ले जाते हैं टाइप के अंदर, वो ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलोगे? तो दो मैट्रिक्स इक्वल उस वक्त होंगी जब उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, उनका ऑर्डर भी सेम हो, ठीक है, और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम हो, क्योंकि सेट के अंदर आपने देखा था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता था, तो ये सेट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एक मैट्रिक्स ए है 2x2 कंसिडर करते हैं, ये है, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है 2x2। अब एक बी मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, अब इसका ऑर्डर भी 2x2 है, तो स्टूडेंट समझते हैं जिनका ऑर्डर सेम है और एलिमेंट्स भी तो सेम है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब भी इक्वल है। तो इक्वल के लिए जरूरी नहीं होता कि ऑर्डर सेम हो एलिमेंट सेम हो, इसके लिए हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब जो सेम पोजिशन पे एलिमेंट्स है ना वो सेम होने चाहिए, जैसे इधर जो एलिमेंट है वो इससे सेम होना चाहिए, जो इस पोजिशन पे है वो इस पोजिशन पे सेम होना चाहिए, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, जो सेम सेम पोजिशन पे एलिमेंट्स है वो सब आपस में क्या होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। तो इसको जरा मैं बराबर कर देता हूं, अब ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाए जाएंगे क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी सारे सेम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, या इसको आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जो आती किस तरीके से है कि जब आप किसी मैट्रिक्स के रॉस और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, ये है 1 2 3 -1 3 4 8 9 0, ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की। अच्छा जरूरी नहीं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिर्फ आप स्क्वायर मैट्रिक्स की निकालोगे, अभी तक डायगनल, यूनिट, आइडेंटिटी, ये तीन ऐसी मैट्रिक्स थी जिनके लिए शर्त थी कि ये स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जितनी भी आपने टाइप पढ़ी है, इक्वल है, जितना पढ़ा है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि वो सेम होने चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। इसी तरह ट्रांसपोज मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, मैं चलो एग्जाम्पल भी स्क्वायर की नहीं देता, ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो अब तो ये स्क्वायर नहीं रही क्योंकि इसके अंदर तीन रॉस हैं, दो कॉलम्स हैं, तो डेफिनेटली रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज को आप इस तरह लिखते हो, मैट्रिक्स ए के ऊपर ना आप डी लिख दोगे, इसका मतलब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा? आप क्या करते हो ट्रांसपोज के अंदर, आप रॉस को कन्वर्ट कर देते हो कॉलम्स के अंदर। जैसे 1 2 जो है ये एक रॉ है, इसको आप कॉलम बना दो, -1 3 एक रॉ है, इसको आप कॉलम बना दो, 8 और 9 एक रॉ है, इसको आप कॉलम बना दो। तो जो रॉस थे उसको आपने कॉलम बना दिया, इसको इस तरह भी बोल सकते हो, जो कॉलम्स हो उनको रॉस बना दो, इस तरह भी आप समझ सकते हो। तो अब इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर निकालोगे, इसके अंदर दो रॉस हैं और तीन कॉलम्स, तो एक तो ट्रांसपोज आपसे कोई मैट्रिक्स दे देंगे और बोलेंगे यार इसका ट्रांसपोज निकालो, या तो इस तरह सवाल आ जाएगा, या दूसरा सवाल ये होगा कि बोलेंगे भाई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2, तो बताओ इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज में ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अगर 3x2 है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 2x3, ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज के बाद भी उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, अगर 3x3 ऑर्डर है तो ट्रांसपोज का भी 3x3 ऑर्डर होगा, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा ट्रांसपोज के, ठीक है। अच्छा जी आप कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ट्रांसपोज की, आप लोगों की बुक में भी मेंशन है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है भाई, ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, ये क्या होगा? अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, वो आपस में ऐड हो रही हैं या वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और उसके बाद आपने उनका ट्रांसपोज लेना है, तो ये बराबर है कि पहले आप दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, ए का भी ट्रांसपोज ले लो, बी का भी ट्रांसपोज ले लो, और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके जो मैट्रिक्स है ए, उसके साथ कोई भी के मल्टीप्लायर है, और के मैट्रिक्स नहीं है, के कोई नंबर है, आप किसी मैट्रिक्स से किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 2 3 4 किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो,
तो जब भी आप एक मैट्रिक्स से आप किसी नंबर के को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो ये बराबर है कि पहले आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, उसके बाद के को मल्टीप्लाई कर दो। पहले आपने के को ए से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद ट्रांसपोज दिया था, तो ये बराबर है कि पहले आप ट्रांसपोज ले लो, उसके बाद के से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी है, इसको आप कहते हो रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। मतलब ये बनेगा कि अगर दो मैट्रिक्स ए भी हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और जो उनका आंसर आ रहा है उसका आप क्या ले रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो, तो ये बराबर होगा इस ऑर्डर में कि आप बी का ट्रांसपोज लो, आप ए का ट्रांसपोज लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले अगर ए भी लिखा हुआ था तो यहाँ पे बी ए हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। इसी तरह अगर यहाँ पे बी ए लिखा होता तो यहाँ पे ए भी हो जाता, ठीक है, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे था कि आप पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर ट्रांसपोज दे रहे हो, और यहाँ पे कि पहले आप दोनों का ट्रांसपोज दे रहे हो उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। और आखिरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैट्रिक्स ए है उसका आपने ट्रांसपोज लिया और फिर दोबारा आपने उसका ट्रांसपोज दे दिया, ये तो अभी मैं आपको बताता आ रहा हूं, ये आपने अभी कल कॉन्जुगेट में भी पढ़ा था कि एक मॉडल एक नंबर का कॉन्जुगेट लो फिर दोबारा कॉन्जुगेट लो तो वो उसी के बराबर आ जाता है। इसी तरह ये चीज आपने सेट में भी पढ़ी थी कि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लो और फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो उसी सेट के बराबर आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी है कि आप एक मैट्रिक्स का देखो ट्रांसपोज लो, इस वाली मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया ये आया, अब जब दोबारा इसका ट्रांसपोज लोगे ना तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी, देख लेना इसका जरा ट्रांसपोज देना आपके पास दोबारा ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स उसको आप क्या लिखोगे मैट्रिक्स, तो अगर दो दफा ट्रांसपोज हो गया आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सवाल यहां तक अच्छा, मेरे ख्याल में जितनी हमने टाइप्स पढ़ ली है ना यही आपकी बुक में, शायद एक दो कोई और टाइप हो बुक में लेकिन ज्यादातर यही टाइप्स है, बल्कि यही है सारी। अब जो मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं ना इसके अलावा, ये तो आपने कितनी पढ़ी, 10 पढ़ी है ना टोटल, 10-12 और होती है टोटल 22-23 टाइप्स है मैट्रिसेस की, लेकिन वो सिंध बोर्ड के अंदर मैंने देखी नहीं है ज्यादातर सारी टाइप्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप है ना, जो बेशक आपकी बुक में नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। उसी में से बड़ी एक मशहूर टाइप है जिसको आप बोलते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है मैट्रिक्स की, यह आपको अपने कोर्स में नहीं मिलेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो इस रिलेशन को फॉलो करती है। सबसे पहली बात, ये स्क्वायर होती है, सिमेट्रिक कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, लाजमी बात है उसको स्क्वायर होना है। और दूसरी बात, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, कंडीशन क्या है कि अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो अपने ही बराबर आ जाएगा। जैसे अगर आपने यहां पे देखा था ये मैट्रिक्स थी, इसका जब आपने ट्रांसपोज लिया था तो ये अपने बराबर आया था क्या, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल तो नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होगी जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो अपने ही बराबर हो जाएगा। अब ये बात तो काफी अजीब से लग रही है, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या मतलब बन रहा है इसका। एक मैट्रिक्स एड करते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे पता चला मुझे, आप इसका ट्रांसपोज लेना, इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर होगा, करके देख लेते हैं। ट्रांसपोज में आप क्या करते हो, रॉस को कॉलम में तब्दील कर देते हो, 1-4-5 रॉ है कॉलम बना दो, 4-2-6 रॉ है कॉलम बना दो, 5-6-3 रॉ है कॉलम बना दो। इन दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, जरा गौर से देख लो, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखो, इसका ट्रांसपोज अगर आपने लिया तो वो भी इसी के बराबर है, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों के सामने बनाया भी, अगर आपने नोट किया, डायगोनल एलिमेंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर लो, जो आपका दिल चाहता है ना, बचपन में गेम खेलते थे ना कि यार वो एक नंबर सोचो फिर उसको 2 से डिवाइड करो, वो वाला सीन है इसके अंदर भी, क्या आपने अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लेना, नेगेटिव रैशनल इरेशनल कुछ भी चूज कर लो। उसके बाद इन दो पोजीशन का एलिमेंट सेम होना चाहिए, अगेन आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख लो,
आप यहाँ पे अगर माइनस टू रख रहे हो तो फिर इधर भी माइनस टू रखना, बस इन दोनों पोजीशन जो है ना इनके एलिमेंट जो है ये सेम होने चाहिए। इसी तरह ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, इनके दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसी तरह ये वाला कॉर्नर जो है और ये वाला कॉर्नर जो है, इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अगर ये एलिमेंट सेम होंगे तो जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी उस वाली मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए, ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए और ये दो आपस में सेम होने चाहिए। मैं सर्कल को थोड़ा मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर बना देता हूँ ताकि आपको ऊपर वाले और इसमें फर्क पता चले। ठीक है, तो आप अपने मर्जी से कोई भी बना लेना, प्रैक्टिस करना, कोई भी मैट्रिक्स बनाना, उसका ट्रांसपोज देना, देखना सेम ही आएगा। तो सिमेट्रिक बनाने का बड़ा आसान तरीका होता है। अब दूसरी टाइप है जिसको आप बोलते हो स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये ऐसी मैट्रिक्स होती है कि सबसे पहली बात तो स्क्वायर होती है, दूसरी बात ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कंडीशन क्या है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे यहां पे ट्रांसपोज जो था वो उस मैट्रिक्स के बराबर था, यहां पे ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा। जैसे इसको साथ साथ देख लो मैं बनाता किस तरह, आसान तरीका ये है इसका कि डायगनल एलिमेंट आपको सब जीरो करने पड़ेंगे, तो डायगनल एलिमेंट्स मैंने सब जीरो कर दिए। फिर अगर मैं इधर टू पुट कर रहा हूं तो इधर मुझे माइनस टू पुट करना पड़ेगा, अगर मैं इधर थ्री पुट कर रहा हूं तो इधर मुझे माइनस थ्री पुट करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे लेट कर लो माइनस फोर पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे फोर पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स बराबर होते थे ना, यहाँ पे भी एलिमेंट्स मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन साइन उनके आप चेंज कर दोगे, तो ये आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक बन गई। कैसे पता करोगे, सबसे पहली चीज आप यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ए निकालो। नेगेटिव ऑफ ए का मतलब होता है कि मैट्रिक्स के सब एलिमेंट को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ गई है माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर आप यहां पे निकालो ए ट्रांसपोज। आप ये जो ऊपर मैट्रिक्स है ना इसका ट्रांसपोज निकालो, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो जीरो माइनस टू माइनस थ्री इसको कॉलम बना दो, टू जीरो फोर कॉलम बना दो, इसको थ्री माइनस फोर जीरो कॉलम बना दो। अब जरा गौर करो, ये जो ए ट्रांसपोज है और ये माइनस ए जो है ये दोनों आपस में बराबर है। ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स देखो और माइनस ए वाली मैट्रिक्स देखो, ये दोनों आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो यहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो मैट्रिक्स ए है ना ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लो तो ये बराबर है नेगेटिव ऑफ इस मैट्रिक्स के, मतलब माइनस ए के बराबर आ रहा है। तो दैट्स व्हाई इस वाली मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे। तो ये दो टाइप्स हैं जो आपकी बुक में नहीं थी, इनको और से पढ़ लो। अब दो और मैं पढ़ाऊंगा, मेरे ख्याल में वो काफी हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना कि ऐसी मैट्रिक्स, ये भी सवाल आ सकता है अगर आया तो, कैसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो दुनिया में ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय नल मैट्रिक्स के। ये जो नल मैट्रिक्स होती है ना इसी को आप बोल सकते हो सिमेट्रिक और इसको आप स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हो। अब कैसे बोल सकते हो, आप दोनों कंडीशन देखना वो सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो वाहिद एक नल मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, बाकी जितनी भी मैट्रिक्स होंगी या तो वो सिमेट्रिक होंगी या वो स्क्यू सिमेट्रिक होंगी या वो दोनों नहीं होंगी। मतलब कितनी ऐसी मैट्रिक्स हैं जो दोनों नहीं होंगी, जैसे ये वाली मैट्रिक्स को ही लिखवाई हो मैंने, ये वाली, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, तो या तो वो सिमेट्रिक होंगी या स्क्यू सिमेट्रिक होंगी या दोनों नहीं होंगी। लेकिन नल मैट्रिक्स ऐसी है कि जो सिमेट्रिक भी है और जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है।
अच्छा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स खुद एक टाइप नहीं है मैट्रिक्स की, इसके अंदर होती है, मतलब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या तो अपर ट्राइंगुलर होगी या लोअर ट्राइंगुलर होगी, मतलब दो ही किस्म की होती है, मतलब या तो आप किसी मैट्रिक्स को बोलोगे अपर ट्राइंगुलर या किसी को आप बोलोगे लोअर ट्राइंगुलर, खाली ट्राइंगुलर की कोई सेंस नहीं बनती, तो या तो वो अपर ट्राइंगुलर होगी या वो लोअर ट्राइंगुलर होगी। तो जरा दोनों को पढ़ लेते हैं कि अपर ट्राइंगुलर क्या होती है, लोअर ट्राइंगुलर क्या होती है। तो सबसे पहले आ जाओ अपर पे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स होती है कि जिसमें जो मेन डाइग, सबसे पहली बात अगेन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कि जो मेन डायगनल के एलिमेंट्स है ना, अच्छा अगर नाम में लिखा हुआ है ना अपर ट्रायंगुलर, तो डायगनल्स के नीचे जो एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे, और डायगनल के ऊपर एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। जैसे ये इसको आप क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर बोलोगे। अपर ट्रायंगुलर वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगनल्स के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगनल है ना आपका ये पूरा, तो इस डायगनल के जो नीचे एलिमेंट्स हैं वो आपको दिखने में लग रहे हैं सारे क्या है, जीरो के बराबर है। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर। और नाम की वजह ये कि जब नीचे वाले सारे जीरो हो जाएंगे तो ट्रायंगल आपके पास ऊपर बनेगा ना, ये बात, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा होगा, इन एलिमेंट्स को अगर आप ज्वाइन करो तो पूरा ट्रायंगल बना रहे होंगे। तो डायगनल के नीचे वाले अगर एलिमेंट जीरो हो तो ट्रायंगल आपके पास अपर बन रहा होता है। तो इस वाली या इजी लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि अगर डायगनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो है तो इसका मतलब वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरी वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर। आप समझ गए होंगे कि लोअर ट्रायंगुलर ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगनल के जो अबव एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो डायगनल के अबव 3, 4, 5 कर लेते हैं, 0, 0, 0, ये जो डायगनल है ना पूरा आपका, इसके जो अबव एलिमेंट्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है, जीरो के बराबर। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगनल के ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं। नीचे वाले एक भी जीरो हो सकता है, दो भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले जो है वो तो सारे जीरो हो जाएंगे। तो अब ये दो टाइप्स होगी, सिमेट्रिक और एंटी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, आपके सिंध बोर्ड में नहीं है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स है मैट्रिसेस की, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये जो पोर्शन था ना हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वाला वो खत्म हो गया। कोई यहां तक सवाल है किसी का तो पूछ लो यार। सिंगुलर मैट्रिक्स ये भी अच्छी बात बोली है, चलो ये भी मैं करवा देता हूँ साथ ही। ये वैसे मुझे डिटरमिनेंट में बतानी थी, अभी मैंने डिटरमिनेंट आप लोगों को बताया नहीं है। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है कि जिसमें डिटरमिनेंट जो है उस मैट्रिक्स का जीरो के बराबर है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हो। जैसे एग्जांपल आप लोग इसको ट्राई कर लेना जब मैं डिटरमिनेंट समझाऊंगा, या भी आपको आता भी होगा डिटरमिनेंट। इस वाली मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो जीरो के बराबर आओगे। 2x2 की बनाइए, 3x3 की मैं बना सकता हूं, लेकिन इजी एग्जांपल समझ लो कि अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका आपने डिटरमिनेंट निकाला और वो जीरो के बराबर आ गया, तो उस वाली मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स हो जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो वाली होगी कि जिसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और इसकी तो आपको बेतहाशा एग्जांपल्स मिल जाएंगी, इसको ही ट्राई कर लेना। जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इस वाली मैट्रिक्स को आप बोलोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। खैर अब एक आखिरी छोटा सा पोर्शन है 10 मिनट का, उसके बाद ब्रेक होगी, और वो पोर्शन है कि मैट्रिक्स ऑपरेशंस, मैट्रिक्स को आपस में क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है,
ऑपरेशन लिख देता हूँ सारे, ठीक है। तो पहली चीज एडिशन, किसी भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, पर शर्त ये कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर 2x3 मैट्रिक्स है तो उसको 2x3 मैट्रिक्स में ऐड करोगे आप, अगर 3x4 मैट्रिक्स है तो उसको 3x4 मैट्रिक्स के अंदर ऐड करोगे, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसको 2x2 के अंदर ही ऐड करोगे, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो आपस में आप उनको ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक है -1 -2 -3 -4, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में आपने ऐड करना है। कुछ नेगेटिव हटा देते हैं वरना सभी जीरो हो जाएगा। ये दो मैट्रिक्स हैं, देखो जरा दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 है ये भी 2x2 है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। और ऐड करने का तरीका ये होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना उनको आप ऐड करोगे, मतलब 1 को आप प्लस करोगे इस वाले 1 में तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 3 ये भी 0 के बराबर, 4 प्लस 4 ये बराबर हो जाएगा 8। तो सबसे पहली बात, ऑर्डर सेम होने चाहिए तब आप ऐड करोगे। और ऐड आप किस तरीके से करते हो, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना उनको आपस में आप ऐड कर रहे होते हो। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी आप इसी तरह करोगे, कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं दरमियान में माइनस लगा दूंगा यहाँ पे, इनफैक्ट ये जो पहली एग्जाम्पल है ये प्लस करके मैंने सॉल्व की हुई है, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया, तो पहले मैंने प्लस किया तो ये आंसर आया, अब मैं जरा माइनस करता हूँ फिर हम आंसर देखते हैं क्या आंसर। तो माइनस में वही कॉन्सेप्ट है, 1 -1 जीरो के बराबर, 2 -2 तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + 2 4, 3 -3 माइनस माइनस पॉजिटिव, 3 + 3 6, इसी तरह 4 - 4 जीरो के बराबर। तो वही कॉन्सेप्ट है, जिस तरह आप मैट्रिक्स को ऐड करते हो उसी तरह आप मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। सर आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, आपकी आवाज काफी लो हुई है। यार असल में मैंने रोजा रखा हुआ है, इसलिए रो हुई है। मैं जरा ये माइक्रोफोन उठा लेता हूँ ताकि सुनाओ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, इसलिए उसमें तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैट्रिक्स में देखो मल्टीप्लीकेशन होती है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन दो किस्म की होती है। एक तो होती है कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और एक होती है कि आप एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसको आप कहते हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऐसी मल्टीप्लीकेशन होती है कि जिसमें आप किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं, 1 2 3 4, छोटी एग्जांपल्स है ताकि जल्दी समझ आ जाए। अगर इस मैट्रिक्स से आपको बोला जाए कि 2a मालूम करो, अब अगेन यहां पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क आता है। जब यही चीज डिटरमिनेंट के बाहर 2 लिखा हुआ हो ना तो उसका मतलब अलग होता है, उसका मतलब होता है किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर इस तरह 2 लिखा होता है ना, तो मैट्रिक्स में इसका मतलब ये बनेगा कि इस 2 को आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो खैर जब डिटरमिनेंट आएगा तब मैं बता दूंगा, अभी के लिए आप ये समझो कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर को आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो। तो 2a क्या हो जाएगा, आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से करो और 4 को 2 से करो। तो 2a का मतलब हो जाएगा मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाली मल्टीप्लीकेशन को आप कहते हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और दूसरी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब जिसमें आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। जरा उसको देख लेते हैं वो आप किस तरीके से करोगे। तो लेट कर लो एक मैट्रिक्स है, मैं 3x3 की बता रहा हूँ क्योंकि 3x3 स्टूडेंट को मसला होता है। 1 2 3 4 5 6 -1 0 4, अच्छा एक और मैट्रिक्स लेट करते हैं 2 0 1 3 1 2 4 0 2, ये दो मैट्रिक्स हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये काफी मसला करती है, जब मैट्रिक्स के ऑर्डर अजीब से हो जाए तब बड़ा मसला होता है। तो जरा मैं जो बता रहा हूँ मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं बहुत डिटेल डिटेल में एक एक बात बताऊंगा, गौर से आपने इसको सुनना है। किसी भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई किस तरीके से कर रहे होते हो,
मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो पहली मैट्रिक्स है, अच्छा मल्टीप्लीकेशन कब होती है वो कंडीशन में बाद में बताता हूं, अभी देख लो कि आप मल्टीप्लाई कर किस तरह करते हो। जो रॉ है ना पहली मैट्रिक्स का, पहली मैट्रिक्स की जो रॉ है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो पहला कॉलम जो है दूसरी मैट्रिक्स का। ये इस मैट्रिक्स का रॉ, ये इस मैट्रिक्स की रॉ है, इसको मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से। हर एलिमेंट को आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। वन को टू से मल्टीप्लाई करो टू आएगा, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो सिक्स आएगा, थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करो ट्वेल्व आएगा। तो आपने क्या किया, एक रॉ को, इस पूरी रॉ को आपने मल्टीप्लाई किया इस पूरे कॉलम से, और जो भी रिजल्ट होता है उसको आपस में आप ऐड कर देते हो, ठीक है। अब आपने देखा कि आपका कॉलम खत्म हो गया, पहला वाला कॉलम खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे, अब आप दूसरे कॉलम पे जाओगे। जैसे ही आप दूसरे कॉलम पे जाओगे तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ोगे। ये बातें आपको भी बड़े मजे की लगेंगी, लेकिन जब मैं एक अजीब पुट्ठी ऑर्डर की मैट्रिक्स दूंगा ना तब नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपने कॉलम तब्दील किया ना तो आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है। अब फिर वही काम करो, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, टू को वन से मल्टीप्लाई करो टू, थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो। अब अगेन वही बात कि आपका ये वाला कॉलम बच गया ना, ठीक है, मतलब ये वाला कॉलम खत्म हो गया, अब आप नेक्स्ट कॉलम पे जा रहे हो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, वन को मल्टीप्लाई करो वन से वन आएगा, टू को मल्टीप्लाई करो टू से फोर आ जाएगा, थ्री को मल्टीप्लाई करो टू से सिक्स आ जाएगा। अब आप देखो कॉलम खत्म हो गए, अब कोई और कॉलम मौजूद नहीं है। तो जब कॉलम खत्म हो जाएंगे अब आप आ जाओगे सेकंड रॉ पे, और जैसे आप सेकंड रॉ पे आ रहे हो तो यहां पे भी अब आप सेकंड रॉ पे आ जाओगे। अब आप जगह छोड़ के नहीं करोगे, जगह छोड़ के आप उस वक्त करते हो जब आप डिफरेंट कॉलम पे जा रहे होते हो, तब आप जगह छोड़ते हो अगले कॉलम पे जाते हो। लेकिन जब कॉलम खत्म हो गए, आपने रॉ तब्दील कर ली, तो इधर भी अब आप सेकंड रॉ पे आ जाओगे और वही काम पूरा दोबारा रिपीट करोगे। कि इस पूरी रॉ को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फोर को टू से करो एट, फाइव को थ्री से करो फिफ्टीन, सिक्स को फोर से करो ट्वेंटी फोर। कॉलम खत्म हो गया, जगह छोड़ो, फोर को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, फाइव को वन से करो फाइव, सिक्स को जीरो से करो जीरो। अगेन कॉलम खत्म हो गया, जगह छोड़ो, फोर को वन से करो फोर, फाइव को टू से करो टेन, सिक्स को टू से करो ट्वेल्व। अब मेरे ख्याल में तीसरे, अब अगेन कॉलम खत्म हो गया, आप थर्ड रॉ पे आ जाओगे, और वो तो आप लोग कर लोगे, मैं बस लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल में इसको सिंप्लीफाई करना तो किसी स्टूडेंट को मसला नहीं होगा, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सबको सॉल्व करना, आपके पास इनकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ जाएगा।